नमस्कार इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी के केंद्रीय नेताओं को प्रचार के मोर्चे पर उतारने पर सियासी रार मच गया है। भाजपा की ओर से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल 6 से 7 अप्रैल को खैरागढ़ में प्रचार करेंगे। इस बीच केंद्रीय नेताओं को प्रचार में उतारने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री और केंद्रीय नेताओं को चुनाव के लिए बुलाने से साफ हो गया है कि बीजेपी खैरागढ़ उपचुनाव हार रही है। सीएम ने यह भी कहा कि अब तक जहां जहां उपचुनाव हुए हैं वहां बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में खैरागढ़ की जनता भी बीजेपी को नकार देगी। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने पलटवार किया और सवाल किया कि केंद्रीय मंत्री पटेल के दौरे से मुख्यमंत्री इतने भयभीत क्यों हैं? वो आखिर क्यों दिल मिला रहे हैं? उन्होंने कहा कि बघेल कई राज्यों के चुनावी दौरे पर गए थे लेकिन वहां की जनता ने बघेल के मॉडल को और उन्हें ठुकरा दिया। ऐसे में सवाल यही है कि केंद्रीय स्तर के नेताओं के दौरे कांग्रेस के क्यों नहीं भा रहे, और सवाल ये भी है कि क्या केंद्रीय नेताओं के दौरे से बीजेपी खैरागढ़ का किला जीतने में कामयाब हो जाएगी। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले सीएम बघेल और बीजेपी का क्या कहना है वो आप सुनिए। प्रचार करना चाहिए लेकिन ये है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता एक चुनाव में केंद्रीय मंत्री और पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री सबका आमंत्रित कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो चुनाव वो हार चुके ही मानकर उदयपुर में कार्यक्रम है और इसको लेकर के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी भयभीत क्यों हो रहे हैं? जहां तक मध्य प्रदेश के जाने की बात है, हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कई प्रदेशों में गए, ये बात अलग है कि उनके मॉडल को भी रिजेक्ट कर दिया और उनको भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो प्रहलाद पटेल जी मध्य प्रदेश युवा मोर्चा से लेकर के लगातार छत्तीसगढ़ के विकास, छत्तीसगढ़ के समन्वय और संपर्क में रहे हैं और निश्चित रूप से चुनाव में फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री जी के कुल मिलाने से कुछ होने वाला नहीं है। और इसी मुद्दे पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ पैनल जुड़ने जा रहा है साथ ही आशीष चौबे हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और बीजेपी के नेता युधिष्ठिर चंद्राकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार संजीव गुप्ता हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले मैं आशीष चौबे जी का रुख करना चाहूंगी। आशीष चौबे जी, बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, तमाम मंत्री नेता जो डेरा डाले हुए हैं खैरागढ़ में उपचुनाव को लेकर, और ऐसे में जो है बीजेपी कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती, तो पूरी कोशिश ताकत यहां पर बीजेपी लगा रही है। कांग्रेस की अगर बात करें, कांग्रेस की सरकार है छत्तीसगढ़ में, और ऐसे में पार्टी की क्या प्लानिंग है? क्या महज घोषणा करने से ये चुनाव जीत जाएगी पार्टी? जी, सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करना चाहूंगा और आपको बताऊंगा कि छत्तीसगढ़ में लगातार कांग्रेस सरकार काम कर रही है। ये कोई उपचुनाव के लिए स्पेशल घोषणा जो किया है मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने, वो एडिशनल है। वो वहां की जनता की मांग थी जिसे 15 साल बीजेपी की सरकार ने अनदेखी की। उस मांग को पूरा करते हुए श्री भूपेश बघेल जी ने उस घोषणा को घोषणा की है, पर पेट दर्द अब बीजेपी की ओर है क्योंकि 15 साल सरकार जब इन्होंने चलाया। इतने महत्वपूर्ण आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा कि गौरेला पेंड्रा मरवाही एक इतने सालों से मांग रही थी वहां की जनता। आप सोचिए, पेंड्रा से बिलासपुर आना पड़ता था लोगों को अगर कुछ काम पड़ता था तो उस जिला को बनाने का काम छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने किया। उसके बाद 4 जिले और बनाए, एक जिला और बनने जा रहा है और निश्चित रूप से आपको मैं अभी से बता देना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ सरकार की जो काम है, जो जमीन पर, जो आज पूरे प्रदेश की जनता हर उपचुनाव हर चुनाव में मुहर लगाते जा रही है, वो इस चुनाव में भी होने वाला है। छत्तीसगढ़ खैरागढ़ पूर्ण बहुमत से जीतेगी। और रही बात बाहर के नेताओं की, यानी कि तो अभी मैं धरमलाल कौशिक जी की बाइट सुन रहा था, वो कह रहे थे कि हमारे मुख्यमंत्री जी दूसरे प्रदेशों में चुनाव प्रचार करने गए थे।
तो वहां पर चुनाव मुख्य चुनाव हो रहे थे, यहां पर केवल एक सीट में उपचुनाव हो रहा है, जिसके लिए पूरे भाजपा ने एड़ी चोटी लगा दी है। उन्हें पता है कि छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जो बोलते हैं वो करते हैं, आज छत्तीसगढ़ की जनता के सिर में उनका जादू चढ़कर बोल रहा है, इसलिए उन्हें पता है कि वो उनकी हार निश्चित है, इसलिए दिखावे के लिए वो ये सब कर जरूर रहे हैं, ये सब करके वो अपने वोट का मत का अंतर जरूर कम करना चाहते हैं, लेकिन इस सबसे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला। चलिए मैं इसका जवाब यहाँ पर ले लेती हूँ, हमारे साथ युधिष्ठिर चंद्राकर बने हुए हैं, बीजेपी नेता हैं। युधिष्ठिर जी, आप इसका जवाब देना चाहेंगे, 1.5 साल में विधानसभा चुनाव होने और ऐसे में खैरागढ़ उपचुनाव जीतना बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती? नमस्कार आपको। सबसे पहले चीज ये है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, ये दोनों की चुनाव की राजनीति, चुनाव भारतीय जनता पार्टी हम लोगों को जोड़ने के लिए बना करते हैं, और कोई भी घोषणा करेंगे तो पहले से अपन जो घोषणा किए रहेंगे उसी को ही करेंगे। हम यहाँ पे उपचुनाव में बड़ी शर्म की बात है कि कांग्रेस को उपचुनाव में घोषणा पत्र तैयार करना पड़ा और उसको 3.5 साल तक के याद नहीं आया, उसको पूरा घोषणा पत्र जो उसका बना अभी तक के बैलेंस बचा हुआ है, पूरे छत्तीसगढ़वासी देख रहे हैं, उसको 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 थोड़ा सा भी ध्यान नहीं आया, पुराने को कंप्लीट कर लो, अभी फिर नया घोषणा पत्र तैयार कर लिए कि खैरागढ़ को जिला बनाएंगे। आप घोषणाओं पर घोषणा करने में तो आप महारत हासिल है कांग्रेस का, तो यही है साम दाम दंड बैठ करके पूरा प्रशासन को पूरा तंत्र को वहां पे खैरागढ़ में लगा के बैठे हुए हैं। आपके ये कहते हैं कि केंद्रीय नेता यहाँ पे आके क्या कर रहे हैं छोटी सी उपचुनाव में, तो आपके नेता को तो आपको पूछते ही, यानी आपके क्षेत्र में आने को तैयार ही नहीं है, आप नहीं बुला सकते आप अपने नेता को, तो बात की बात है, आप घबरा क्यों रहे हो जब केंद्रीय नेता यहाँ पे पहुंचे हुए भारतीय जनता पार्टी के, चाहे बड़े नेता हो चाहे छोटे नेता हो, छोटे से चीज को भी महत्वपूर्ण और उनको सेवा और ईमानदारी के साथ काम करने के लिए तैयार रहते हैं, ना कि द्वेषवश राजनीति करते हैं। इनका कांग्रेस की राजनीति हमेशा द्वेषवश रहता है। ये जो आज नए जो शिक्षक छोड़े हैं कि खैरागढ़ को जिला हम 12 घंटे के अंतर्गत यदि जीते तो, इस बात को ध्यान देंगे कि यदि जीते तो 12 घंटे में हम इस खैरागढ़ को जिला बनाएंगे, मतलब वो हार जाएगा तो मतलब खैरागढ़ जिला नहीं बनेगा। चलिए ठीक है, ये उनकी मतलब सोच है, हम आपसे चर्चा जारी रखेंगे। कांग्रेस की जो सोच है ये हमारे साथ बने रहिए युधिष्ठिर जी, और हमारे साथ संजीव गुप्ता भी वरिष्ठ पत्रकार बने हुए हैं। संजीव गुप्ता जी, जैसे जैसे जो नजदीक आ रही है तारीख वोटिंग की, और ऐसे में जो है जुबानी जंग जो लगातार तेज होती जा रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता जा रहा है, क्या लगता है किस तरफ जाएगी ये लड़ाई? देखिए, छत्तीसगढ़ में नई सरकार के गठन के बाद वर्ष 2018 में जब विधानसभा के चुनाव हुए, कांग्रेस की जीत हुई और जब सत्ता बदली यहाँ पे, इसके बाद से लेकर लगातार जो उपचुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस की जीत हुई। ये एक पहला चुनाव है जिसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों पार्टी ये अभी तक पूरी तरह से तय नहीं कर पाए हैं कि वहां की जनता किस तरह जाएगी। मारवाही में जब चुनाव हुआ था इससे पहले, तो मारवाही में योगी जी के परिवार को वहां पे किसी को टिकट नहीं मिल पाई थी, या जो भी वहां पे जो भी कारण रहा कि अहमद से उनकी दावेदारी खत्म हो गई थी वहां पे, तो एक लग रहा था कि वो कांग्रेस के हाथ में चली जाएगी करके जो वहां पे उपचुनाव हुए थे। इससे पहले चित्रकूट और दंतेवाड़ा में भी चुनाव जीत चुकी थी कांग्रेस। अभी ये जो खैरागढ़ का जो चुनाव है, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें दोनों पार्टियों के बीच में कांटे की टक्कर है, और तीसरी जो पार्टी है जो योगी कांग्रेस जो है यहाँ पे जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की है, तो उसमें उनके भी जो जो दावेदार है वो बड़े बहुत ही मजबूत स्थिति में है। इनका मतलब ये है कि तीनों ही पार्टी जो है वहां पे अपने सभी अपने लोगों को या फिर अपने जो प्रत्याशी जिनको उतारे हैं उन लोगों ने कोशिश तीनों पार्टी की है कि हम किसी भी तरह से इस सीट को जीत जाए। देखिए, इससे पहले जो बड़ी बात यह है कि कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस चाहेगी कि हमारी सरकार है, ये हम इस चुनाव को किसी भी तरह से जीत ले, ताकि जो 3.5 वर्ष में हम लोगों ने जो काम किया है वो
जो पार्टी ने काम किया, सरकार ने जो काम किया है, उससे एक प्रकार से मुहर के रूप में हम इसको बता सके जनता को। भारतीय जनता पार्टी इसलिए चुनाव को जीतना चाहती है कि वह लगातार हार का सामना करी है इस छत्तीसगढ़ में वर्ष 2018 के बाद से लगातार, तो उसके लिए भी एक महत्वपूर्ण चुनाव है कि किसी भी तरह से वो चुनाव को जीतना चाहती ताकि कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़े जी। और जनता कांग्रेस जो है, जो भी कांग्रेस भी इसमें जीतना चाहती क्योंकि उनकी सीट थी और उनको ऐसा लग रहा है कि क्योंकि देवव्रत जी वहां पे बड़े कद्दावर नेता थे तो उनका जो एक भावनाओं के आधार पे जो वोट है उनको हासिल होगा। इस तरह से मुझे ऐसा लगता है कि तीनों पार्टियां काफी मेहनत कर रही हैं इस सीट को जीतने के लिए। बिल्कुल, तो दोनों पार्टियों ने अपनी ताकत तो झोंक दी है। आशीष चौबे, क्या प्लानिंग है पार्टी की, कांग्रेस की, क्या जिस तरह से लगातार जो है बीजेपी की तरफ से नेताएं लगातार आ रहे हैं, विधायक आ रहे हैं, मंत्री डेरा जमाए हुए हैं खैरागढ़ में, लेकिन कांग्रेस की क्या इस तरह की कोई प्लानिंग है, कोई रणनीति है आने वाले दिनों में? क्योंकि पिछले दिनों देखा हमने कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे हुए थे, उन्होंने कई सभाएं की, जनसभाएं की और यहां तक कि उन्होंने जिला बनाने की भी घोषणा कर दी। क्या इससे लगता है आपको कोई फायदा मिलेगा चुनाव में? सबसे पहले मैं युधिष्ठिर जी की बातों का, एक दो बातों का जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस डर रही है। डर किस बात का? हमारी सरकार है, हम लोगों ने काम किया है, हम उपचुनाव जीतते जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ की जो सरकार है अगर उसने जिला बनाने का वादा किया है तो इसमें कोई बुराई नहीं, आपके पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। आज मैं आपको बताना चाहूंगा, आज मैंने सुबह से शाम तक सोशल मीडिया में कम से कम 100 पोस्ट ऐसे देखे हैं कि गांव ग्रामीण लोग पोस्टर लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाले हमारे गांव में ना घुसे क्योंकि आप लोग हमारे जिला बनने का विरोध कर रहे हो। तो आज किसी स्थानीय चुनाव के स्थानीय मुद्दे पर अगर कोई स्थानीय घोषणा की जाती है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को डर क्या होता है? अब आपके बात पे आना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में, भारत में कार्यकर्ता, कांग्रेस का कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है क्योंकि एक वो रहता है कि मुख्यमंत्री या बड़े मंत्री या विधायकगढ़ जाके अपना अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाते हैं। अब स्वाभाविक रूप है कि हमारी सरकार है तो हमारे मुख्यमंत्री वहां दौरा करने जाएंगे, अपनी घोषणाओं के बारे में बताएंगे और जो उचित वहां लगता है वो घोषणा करेंगे। तो छत्तीसगढ़ का पूरा कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है, कांग्रेस पार्टी का चुनाव लड़ रहा है और हम खैरागढ़ बहुत ज्यादा मतों से जीतने वाले हैं। इस सीट का आभास भारतीय जनता पार्टी को हो चुका है, तभी वो ऊपर से नेता हमारे पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री और ऊपर से नेताओं को भेज रही है जिससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप भेजिए, आप प्रधानमंत्री जी को एक महीने के लिए यहीं रोक दीजिए खैरागढ़ में, तब भी छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस पार्टी को जिताएगी, हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को जिताएगी और हमारी वहां के जो कांग्रेस की प्रत्याशी है श्रीमती यशोदा वर्मा जी उनको जिताएगी। चलिए, तो मैं इसका जवाब युधिष्ठिर जी से ले लेती हूँ। युधिष्ठिर जी, बाहर से आ रहे हैं नेता मंत्री आ रहे हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंच रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंच रहे हैं, प्रहलाद पटेल पहुंच रहे हैं, क्या बीजेपी डरी हुई है इस चुनाव को लेकर? भारतीय जनता पार्टी कभी भी कोई भी चीज चुनाव में घबराते नहीं है और जिसके नेता रहेंगे वही तो आएंगे, उनके तो नेता में ही आपस में द्वेष और राजनीति है। छत्तीसगढ़ को यावन नहीं चाहते, हम क्या कर सकते हैं? छोटी सी पार्षद की चुनाव है उसमें भी हमारे प्रमुख लोग वहां पे आके वहां पे कार्यकर्ताओं को सलाह वगैरह दिशा निर्देश बिल्कुल देंगे जनता को। आप देश की बात छोड़िए ना, छत्तीसगढ़ में कौन है नेता भाजपा का? आज के वहां पे कोई प्रशासन तंत्र को नहीं बैठा ले, वहां पे बैठ के मात्र प्रधानमंत्री आवास को जो गांव-गांव में एक एक गांव में जो बैनर बिल्ला कर कह रहे ना, तो वहां पे प्रधानमंत्री आवास को जो छत्तीसगढ़ के गरीबों का जो छीना है, झोपड़ी को छीना है, इसके लिए वो उसको अवगत कराते जा रहे हैं। आप 3.5 साल तक के ये विकास कार्य तो नहीं, आप 3.5 साल तक के तो रहे हो, आपने इसके पहले जिला का गठन किए हो, उस समय आपको खैरागढ़ विधानसभा क्यों नहीं याद आई कि आपको जिला बना दिया जाएगा? आज आपको याद आ रही, आपने अभी तक के 3.5 साल में क्या क्या विकास कार्य किए और कितने युवाओं को खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र के कितने युवाओं को आपने रोजगार दिया है ये आप मेरे को बता दीजिए। वहां पे एक एक युवा वहां पे परेशान है, वहां पे गरीब जो है वो एक एक झोपड़ी के लिए परेशान है, वहां पे आदिवासी बाहुल्य हो रहा है, वहां पे
पक्की मकान मिलता है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो सपना जो है वो हमारा पूरा होता, तब तो ये सब चीज में ये बाधा बन रहा है। और ये द्वेषपूर्ण राजनीति करके यहाँ पे लोगों का शोषण करके, दिग्भ्रमित करके, अघोषणा करके, आकस्मिक घोषणा करके, उपचुनाव में घोषणा पत्र निकलता, ये तो बड़ा हास्यास्पद स्थिति है। सर मानी चाहिए भारतीय वहां के यहाँ कांग्रेस पार्टी को और मुख्यमंत्री निकल गया। संजीव गुप्ता जी, संजीव गुप्ता जी, आप तो पत्रकार हैं, आप किस तरह से देखते हैं इसे, क्योंकि ये तो प्रतिष्ठा का चुनाव बन गया ऐसा लग रहा है। जी फिर से दोहराएंगे संजीव जी, कैसे कैसे देखते हैं आप, एक पत्रकार के नजरिए से अगर देखा जाए तो इस चुनाव का कैसे देखते हैं? ये तो नाक का सवाल बन गया, ये चुनाव तो प्रतिष्ठा का सवाल बन गया। जी इससे पहले मैंने जो आंसर दिया था उसमें ये बात मैंने कहा था कि ये निश्चित तौर पे तीनों पार्टियों के लिए, केवल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए नहीं, ये जो भी कांग्रेस जो पार्टी है, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जो पार्टी है, उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण चुनाव है। क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि लगातार हार का सामना करना पड़ा है भारतीय जनता पार्टी को वर्ष 2018 से बाद से लेकर अब तक, और कांग्रेस को ये चुनाव जीतती रही है 2018 के बाद से। 2018 में काफी बहुमत मिला उनको, फिर चित्रकूट का मिला, उसके बाद फिर दंतेवाड़ा का मिला, उसके बाद फिर मरवाही में भी उनको जीत मिली। तो इस तरह से वो लगातार जीतते रहे हैं और 3.5 वर्ष हो चुका है सरकार को, 3 साल से ज्यादा समय हो चुका है सरकार को। और चूंकि सरकार एक जो टर्म होता है, एक बड़ा टर्म होता है सरकार का, 5 साल में अगर 3.5 वर्ष 4 वर्ष के आसपास को निकाल चुके हैं, तो वो चाहेंगे कि जनता उसमें मुहर लगाए कि वो हम जो काम कर रहे हैं, सरकार जो काम कर रही है वो बेहतर तरीके से काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है। इससे लोगों तक अगली चुनाव में जब जाए तो एक प्रकार से एक वातावरण बन सके, ऐसा वो चाह रही होगी सरकार जो यहाँ की। देखिए भारतीय जनता पार्टी की यह है कि लगातार हार का सामना करना पड़ा है, अगर ये चुनाव वो जीतती है तो कार्यकर्ताओं का भी मनोबल बढ़ेगा। उनके पास एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो इनकी उन्होंने जो प्रत्याशी अभी जो उम्मीदवार उन्होंने लाया है, जो पुराने हैं, पुराने विधायक रह चुके हैं, पिछले 2 चुनाव काफी कम अंतर से भी वो हारे थे, तो एक उनको भरोसा है कि शायद इस बार उनको जीत का स्वाद मिल सकता है। कार्यकर्ताओं को बूस्ट अप करने के लिए उनके लिए कितना जरूरी है ये चुनाव जीतना, ये यहाँ पर साफ दिख रहा है। आशीष चौबे जी, कांग्रेस की अगर बात करें, क्या लगता है जनता का विश्वास कैसे जीतेंगे इस बार? जनता का विश्वास कोई भी राजनीतिक पार्टी कैसे जीत सकती है? अपना काम कर रहे हैं हम, आज बिजली हर घर में आधा हो गया है, आज किसान जो रहते हैं उनको 2500 रुपए में समर्थन मूल्य में उनकी धान खरीदी हो रही है, युवाओं को रोजगार मिल रहा है, छत्तीसगढ़ में आपका नेतृत्वकर्ता कौन है आप बताइए? आप 15 साल के मुख्यमंत्री थे आपके रमन सिंह जी, उनको प्रेस में बोलना पड़ता है कि मैं भी एक छोटा शहर हूँ मुख्यमंत्री का। आप छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वविहीन है, शायद ये कारण भी हो सकता है कि ऊपर से नेता पैराशूट से भेजे जा रहे हैं प्रचार करने के लिए। अगर छत्तीसगढ़ की जनता के भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर सक्षम होते तो आज ऊपर से नेताओं को नहीं आना पड़ता। आज जानती है कि छत्तीसगढ़ यहाँ टूट चुकी है, छत्तीसगढ़ में भाजपा टूट चुकी है, इनका कोई भी नेता नहीं है। रही बात कांग्रेस की, हमारे छत्तीसगढ़ के कांग्रेस में हमारे मुखिया श्री भूपेश बघेल जी जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, आप बोल रहे थे दौरा नहीं कर रहे हैं, लगभग सभी विधानसभाओं में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी ने दौरा किया और उनका दूसरा राउंड चालू गया दौरे का, पुनः वो पूरे छत्तीसगढ़ में घूम रहे हैं हजारों। मुझे लगता है आशीष चौबे जी आपके बात का जवाब युधिष्ठिर जी देना चाहते हैं। युधिष्ठिर जी आप जवाब दे सकते हैं? नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ। प्रखर जी चौबे जी ने बहुत ही अच्छा ये जवाब दिया है। छत्तीसगढ़ में नेता कौन है आप तो बता दो प्रखर जी, कि छत्तीसगढ़ में छोटे छोटे कार्यकर्ता, वही चीज आपको पहले भी बताया, मैं इसके पहले मैं बात किया तो आप समझने में आपकी शायद भूल हो गई होगी कि छोटे से कार्यकर्ता मतदान बूथ का जो कार्यकर्ता है वो भी हमारे डॉक्टर रमन सिंह के बरोबर के हैं। यहाँ पे नेतृत्व की नहीं है, नेतृत्व वहाँ पे हमारे कांग्रेस के 15 साल सरकार चुना है,
एक सवाल युधिष्ठिर जी मैं आपसे करना चाहूंगी, युधिष्ठिर जी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। हाल ही में जो बयान यहां पर नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक का आया है, उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ को कांग्रेस मुक्त बनाने का दावा किया गया है, क्या कैसे बनाएंगे? युधिष्ठिर जी आप तक आवाज पहुंच पा रही है? तो छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने यह बयान दिया है 2023 चुनाव को लेकर। उन्होंने ये बात कही है कि छत्तीसगढ़ को कांग्रेस मुक्त बनाने का दावा यहां पर पार्टी कर रही है। तो लगातार जो दावे पार्टियों की तरफ से किए जा रहे हैं खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर, और लगातार हमारे साथ जो बने हुए हैं खास मेहमान युधिष्ठिर जी, बताइए क्या प्लानिंग है, कैसे बनाएंगे प्रदेश को कांग्रेस मुक्त, कैसे करेंगे? जो यहां पर धर्मलाल कौशिक ने जो बयान दिया है इस पर मैं सवाल कर रही हूं। चलिए आशीष जी, मुझे लगता है आप कुछ कहना चाहते हैं। धर्मलाल कौशिक जी के बयान से एक ही चीज सीधी सीधी समझ में आती है कि इनके पहले राष्ट्रीय नेता जुमले वाली बात करते थे, अब ये भी चालू हो गया। छत्तीसगढ़ में भाजपा की क्या स्थिति है आप लोग भी देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ की जनता भी देख रही है, और आज हम कांग्रेस किस स्थिति में छत्तीसगढ़ में है ये भी जनता देख रही है। तो बाद बयान नेताओं को ऐसे देना चाहिए जो सुनने वाले को पचे, थोड़ा वो हजम कर सके। इनके तो बात, इनके जो राष्ट्रीय नेता से जो उन्होंने सीखा है, जुमले बोलना 15 लाख रुपए वाला, कभी पेट्रोल 50 रुपए मिलेगा बोल देते थे, वही तरह छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में दरअसल भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी है, नेतृत्व विहीन हो चुकी है, कार्यकर्ता विहीन हो चुकी है, इसलिए उन्हें ये जरूर बयान देना पड़ा। और इसका तो मैं नहीं समझता कि कोई औचित्य है और कोई उनके बयान को सीरियसली लेता है। लेकिन आशीष चौबे जी, बीजेपी जो लगातार यहां पर जनता को मैसेज देने की कोशिश कर रही है, ये चुनाव ये जीतकर वो ये मैसेज देना चाहती है कि जो जनता है वो कांग्रेस से नाराज है और अभी भी जो जनता है बीजेपी के साथ है, इसे कैसे करेंगे? असंभव है ये चीज, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, देखिए कुछ मूल चीजें होती हैं, जरूरत की चीजें। हमारे मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले आते साथ किसानों का कर्जा माफ किया, उसके बाद हम लोगों ने बिजली बिल माफ किया। अगर आप अपने घर का बिजली बिल निकाल कर देखेंगी तो उसमें भी 400 यूनिट तक का बिजली बिल आधा आएगा रहेगा। तो जो जनता को सीधा जो फायदा मिलता है, हमारे मुख्यमंत्री जी वैसा काम करते हैं। आज आप लोगों ने देखा दवाई मेडिकल स्वास्थ्य विभाग में हमारे मुख्यमंत्री जी ने काम किया, धनवंतरी योजना के अंतर्गत इतनी सारी सस्ते दवाई की दुकान खुली। आज मोहल्ले मोहल्ले में बस में क्लिनिक जा रहे हैं डॉक्टर बैठे हुए। आज गरीब परिवार अपने मोहल्ले में ही डॉक्टर से अपना इलाज करके वहीं तुरंत फ्री की दवाई उपलब्ध कराई जा रही है उनको। तो ऐसे जो मूलभूत जरूरत की चीजें हैं वो हमारे छत्तीसगढ़ के कांग्रेस की सरकार हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा दी जा रही है। तो जनता को जो आज तक शिक्षा के बारे में आपसे एक गंभीर बात बोलना चाहूंगा, आत्मानंद स्कूल जहां एक गरीब का बच्चा भी आज वहां पर होल लगी है एडमिशन के लिए, कभी आपने देखा था कि सरकारी स्कूल में होल लगी रहती है, खाली रहते थे स्कूल, आज आत्मानंद स्कूल के माध्यम से छत्तीसगढ़ के गरीब जो बच्चे हैं वो भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई कर सकते हैं। और तो खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर किस तरह से जो पार्टियां जो है दावे कर रही हैं, वादे कर रही हैं, आने वाले वक्त में पता चल जाएगा का जनता किसके साथ जाती है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आने वाले दिनों में ये साफ हो जाएगा कि जनता ने किसका दामन थामा है, क्या बीजेपी को इस चुनाव में जीत मिलती है या कांग्रेस का दामन थामती है, ये अब वक्त ही बताएगा। फिलहाल इसी के साथ खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।